Lenses of the power 3D and minus 5D are combined to form a compound lens. An object is placed at a distance 50 cm from this lens. Its image will be formed at a distance from the lens. Dekhiye bhai, ek to lens ye wala hai aur ek lens hai ye wala. Do lens hai. Iski power kya bataiye? 3D hai. Aur iski power kya hai? Minus 5D. Do hai lens to. Ek ki 3D aur ek ki kya hai? Minus 5D. एक मिला के कंबाइंड लेंस बन गया, कंपाउंड लेंस बन गया, राइट. इन इनके पीछे गैप जीरो है, ये समझ लो आप. इनके पीछे गैप है जीरो. और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है इसके अंदर? 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है. इट्स इमेज विल बी फॉर्मड एट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. लेंस से कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी? पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, कन्वेक्स लेंस की पावर है 3D प्लस 3D और कनकेव लेंस की पावर माइनस में. कनकेव लेंस की पावर हमेशा माइनस में होती है और कन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ये बात याद रखिए पहली बात तो. अब एक बात, ये दोनों की टोटल पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 2D हो जाएगी. दोनों की टोटल पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 2 डायप्टर. और माइनस 2 डायप्टर का मतलब इसका पूरे का बिहेवियर कॉनकेव लेंस कितना होगा, होगा कि नहीं होगा. इसकी फोकल लेंथ निकाल लो. अगर पी नेट की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 डायप्टर है, माइनस 2 डायप्टर, तो इसके अंदर जो फोकल लेंथ आएगी वो 1/P आ जाएगी. तो 1/2 माइनस का, ठीक है ना. ये लेकिन ये 2 मीटर्स में है, यहाँ पे ये मीटर में है, ये 1/2 मीटर. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे माइनस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो फोकल लेंथ की माइनस 50 सेंटीमीटर. कनकेव लेंस है, यानी कि आप ऐसा सोचो कि एक ऐसा लेंस है, एक ही लेंस मान लो, एक अकेला लेंस मान लो, जिसकी पावर है यहाँ पे, जिसकी फोकल लेंथ है यहाँ पे माइनस 50 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है. ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया बताइए? यहाँ से 50 सेंटीमीटर भी ऑब्जेक्ट रखा गया है. ऑब्जेक्ट का गया 50 सेंटीमीटर भी और फोकल लेंथ माइनस 50. अब हमें इसकी इमेज डिस्टेंस निकालनी है, कितनी हो जाएगी? व्हाट इज इट्स इमेज डिस्टेंस? आप क्या करेंगे बताइए? इसके अंदर 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f लगाएंगे. 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f. u की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए? इसके अंदर माइनस का 50 और 1/v इज इक्वल टू 1/f. एफ कितना हो जाएगा इसका? माइनस का 50 हो जाएगा एफ की वैल्यू माइनस 50 हो जाएगी. तो 1/, इसको इधर लेके जाओ आप, जीरो हो जाएगा ये. तो 1/v इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे 0/1 लिख दो इसको. तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/0. 1/0 का मतलब क्या? इन्फाइनेट, यानी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो लाइट रे होगी ना, इसमें से ऐसे जाएंगी लाइट रे और ऐसे जाने के बाद ये पैरल हो जाएंगे इस तरीके से. नहीं, लेंस फॉर्मूला लगाना था माइनस का, ठीक है, हमने मिस्टेक कर दी. तो ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा. इसका आंसर पता कितना आएगा यहाँ पे? ये 1/v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/50, माइनस का 1/50, यानी ये 1/v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? माइनस का 2/50, यानी कि माइनस का 1/25. v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? माइनस 25 सेंटीमीटर. ये v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25, यानी लाइट ऐसे डाइवर्स करेंगे और यहाँ से लाइट ऐसे आती हुई दिखेंगी. कोई भी पर्सन जो इनको रिसीव करेगा उसको यहाँ पर इमेज दिखाई देगी. आ रही है ना बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?